के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जन जागरूकता एवं विभिन्न एजेंसियों के आपसी तालमेल को परखने के लिए हुआ सफल मेगा मॉक ड्रिल, आला अधिकारी रहे मौजूद। कमिश्नर ने कहा किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी है पूरी, आपदा से निपटेंगे कुशलतापूर्वक। सिविल एयरपोर्ट के अधिकारियों संग सिविल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, दिया गहन अध्ययन कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश। मेगा मॉक ड्रिल के जरिए डमी और तौर पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचाया राहत सामग्री, बचाया सैकड़ों लोगों की जान। जिला में पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF, एयरफोर्स ने निभाई अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। जन औषधि केंद्र में से नजारत है 90% दवाएं, विभिन्न बीमारियों की 640 दवाओं में से केवल 60 दवाएं उपलब्ध। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा दवाओं की भेजी जा चुकी है डिमांड, जल्द मिलने लगेंगी दवाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिणांचल को दिया सौगात, सहजनवा से दोहरी घाट तक ट्रेन चलने का रास्ता साफ, दक्षिणांचल के लगभग 10 लाख लोग रेल सेवा का उठाएंगे लाभ। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की लंबी 24 सूत्री मांगों को पूर्ण न होने के कारण पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट कर्मचारी 19 से 23 जुलाई तक काला फीता बांध कर करेंगे विरोध प्रदर्शन, लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। बरसात के बाद संक्रामक बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा हुआ मुस्तैद, CMO एस के तिवारी ने कहा जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचने के लिए कराया जा रहा है टीकाकरण। 13वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया उद्घाटन, 18 से 20 जुलाई तक होगी चैंपियनशिप। और अंतरजनपदीय 68वीं जोन पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का IG रेंज ने किया उद्घाटन, बस्ती ने सिद्धार्थनगर को 4-1 से हराकर जीता उद्घाटन मैच।